सोमवार को बेटमानगर में जन्माष्टमी का पर्व सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना काल के चलते इस बार भी कोई बड़े आयोजन नहीं हुए। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दूर से या बाहर से ही दर्शन किए। वहीं नगर में प्रमुख मंदिरों को विशेष आकर्षक लाइट सजाया गया था, जहां जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर दर्शन किए। जन्माष्टमी के अवसर पर नगर के सभी मंदिरों में विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया था। विशेष रूप से अग्रवाल महेश्वरी समाज मंदिर, मुरलीधर मंदिर को झिलमिलाती और रंग बिरंगी बल्फों से प्रकाशित किया गया था। भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए अलग से पालने में भगवान के मनमोहक स्वरूप को बिठाया गया था, जहां श्रद्धालुओं ने पालने को झूला देकर श्री कृष्ण जन्म की बधाई दी। इस अवसर पर मध्य रात्रि को आरती कर महाप्रसादी का वितरण भी भक्तों ने किया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हम इस त्यौहार को मनाते हैं। और भगवान जब जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतरित होते हैं। इसी प्रकार देवकी जी के आठवें पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ था और राक्षसों का संहार करने के लिए उन्होंने अवतरित होना पड़ा और हम इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी हर प्रति वर्ष भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।